अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, वी आर डूइंग होप यू ऑल आर फाइन एंड वी आर डूइंग यूनिट 7 सुल्तान अहमद मस्जिद. वी हैव डन हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद एंड इन हुज रीजन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड सो फार. हु गेव द ऑर्डर्स टू मेक दिस मस्जिद एंड हाउ मेनी इयर्स डिड इट टुक टू कम इन एग्जिस्टेंस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दैट हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक. Paragraph 4. Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church. Reflects mean it represent and the architectural style means जो उसकी building है, जो जो उसका जिस design पे वो building बनी हुई है वो उसका architectural style है. Of both it reflects the आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ऑटोमन मस्जिद. ऑटोमन यानी उस्मानी सल्तनत की उस दौर में व्हाट डिज़ाइंस वर इन ऑफ बिल्डिंग्स और जो मस्जिद के कौन से डिज़ाइन उस ज़माने में इन थे एंड ऑफ बिजेंटिन चर्च. बिजेंटिन चर्च जो था वो एक कैथलिक चर्च था. वो कैथलिक्स थे बिजेंटिन बेसिकली. एंड हाजा सोफिया अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर वॉज ऑल्सो कैप्ट इन यू एज अ मॉडल. हाजा सोफिया यूज टू बी चर्च बिफोर सुल्तान महमद टू. कीप दिस इन माइंड, सुल्तान महमद टू भी एक ऑटोमन एम्पायर के एक रूलर थे. उन्होंने व्हेन ही कॉन्कर्ड द इस्तंबुल आफ्टर द फॉल ऑफ बिजेंटिन एम्पायर. बिजेंटिन एम्पायर जो कैथलिक्स थे उनके जो जो इस्तंबुल को फतह करने के बाद यानी आफ्टर द कॉन्केस्ट ऑफ इस्तंबुल बिजेंटिन चर्च केम अंडर द पोजेशन ऑफ मुस्लिम रूलर्स, केम अंडर द पोजेशन ऑफ ऑटोमन्स यानी सुल्तानी सल्तनत का हिस्सा बन गए थे. और हाजा सोफिया एक बहुत बड़ी मस्जिद है, दुनिया की बहुत बड़ी मस्जिदों में से शुमार की जाती है. उस तरह के गो एंड सर्च ऑन गूगल हाउ डज हाजा सोफिया मस्जिद लुक. तो उसका जो है उसका मॉडल और उसका जो डिज़ाइन था दैट वाज कैप्ट इन माइंड, दैट वाज कैप्ट इन यू. एंड ब्लू मस्जिद लुक्स अ बिट लाइक हाजा सोफिया. हाजा सोफिया एक मस्जिद है अब जो कि पहले एक चर्च हुआ करता था उसकी तरह लगती है. और जो कि मुसलमानों के जो आर्किटेक्चर थे यानी जो तामीराती जो बिल्डिंग्स बनाते थे उन डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करती है. ब्लू मस्जिद इवन टुडे is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. That means still in today's date, till today's date, हम लोग जो ब्लू मस्जिद के बारे में लोग कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मस्जिद है. Till today's date, ब्लू मस्जिद is considered to be the beautiful, the wonderful piece of architecture of Muslims. अभी तक इस मस्जिद को एक बहुत खूबसूरत मस्जिद समझा जाता है. अनमैच्ड मींस अनपैरेलल्ड, मतलब कि अभी तक इसके मुकाबले की कोई और मस्जिद नहीं है. स्प्लेंडर मींस एक्सीलेंस यानी बहुत शानदार. मैजेस्टी ग्रेटनेस एंड साइज, इट्स अ ह्यूज एंड वास्ट स्पेशियस मस्जिद. द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट्स सराउंडेड बाय अ कंटीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड. स्पेशियस मीन्स वास्ट, खुली जगह. फोर कोर्ट यानी कर्ट यार्ड जो होता है फ्रंट साइड ऑफ द मस्जिद. सराउंडेड बाय अ कंटीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड. वॉल्टेड आर्केड मीन्स मेहराब. वॉल्टेड मेहराब को वॉल्टेड कहते हैं. वॉल्टेड आर्केड मतलब एक मेहराब की पूरी एक लाइन है, काफ़ी सारे मेहराब बने हुए हैं. So the masjid has a spacious forecourt, that means it has a vast, it has a spacious courtyard, it has a spacious front side. The front side of the masjid is vast, khuli jagah hai, hawadar jagah, surrounded by a continuous vaulted arcade. Yani aur us khuli jagah ke ird gird mehrab ki ek line hai. There is a line of our vaulted arcade around that spacious forecourt. It has ablution facilities on both sides. Ablution wuzu ko kehte hain. So that means it has ablution facilities on both sides of the courtyard. Yani forecourt ke dono taraf wuzu karne ki sahulat maujood hai. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. Fountains mean pani ka fuhara.
विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्टयार्ड. यानी कर्टयार्ड जो हम लोगों का है उसके मैग्नीट्यूड मीन्स इन साइज दैट इज़ इन कंट्रास्ट विद कर्टयार्ड, यानी जो उसका जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उससे साइज में स्मॉल है दैट फाउंटेन. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court. एक heavy chain, iron chain जो है वो upper part का जो court, जो मस्जिद में court है यानी अदालत है वहाँ पर एक बहुत heavy chain upper part में लटकी हुई है. Of the court entrance on the western side पर. This side was meant for the Sultan alone. और ये side सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के सुल्तान जो होते हैं, कंटेम्प्रेरी जो सुल्तान होते हैं, सिर्फ उनके लिए थी. द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट. इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन. वो चेन वहाँ पे इसलिए लटकी गई थी कि जब भी सुल्तान वहाँ से गुजरे तो उनको अपना सर झुका के वहाँ से गुजरना पड़े कोर्ट में जब भी वो एंटर हो. एंड इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्टर. एक जेस्टर मतलब एक मोशन, एक एक्सप्रेशन होता है टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन. यानी इंसानियत के तौर पे, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो रूलर है वो डाउन टू अर्थ है एंड द रूलर इज़ नॉट एरोगेंट. सो ही हैड टू लोअर हिज हेड इन ऑर्डर टू शो हिज़ हम्बलनेस. अपनी हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस यानी सॉफ्ट कॉर्नर अपना शो करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो एरोगेंट नहीं है, मगरूर नहीं है रूलर, इसलिए उनको अपना जो है सर झुका के वहाँ से गुजरना पड़ता था. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंड मेड सिरेमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस. Interior means inside part of the masjid is decorated with more than 20,000 handmade ceramic tiles. Ceramic means made of clay, and that is the inside part of the masjid is decorated with the handmade clay tiles in more than 50 different tulip designs. And 50 more than 50 different tulip designs are engraved on those tiles. यानी tulip is a flower और इस flower के designs, इस flower, ये वाला flower का design उन tiles पर बना हुआ है और वो tiles more than 20,000 है. At gallery level the design becomes flamboyant. Flamboyant means colorful and bright with representation of flowers, fruit and cypresses. Cypress is a tree. और gallery level पर उस पर flowers and fruits and trees के जो हैं डिज़ाइन बने हुए हैं और बहुत ही ब्राइट कलर्स हैं वो. और गैलरी लेवल पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज आर इम्प्रिंटेड ऑन द टाइल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डू रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.